प्रिय भक्तों, महाशिवरात्रि पर्व की आप सभी को कोटि कोटि बधाई हो। आज कैलाश पर्वत, जहां पर महादेव अपने परिवार सहित रहते हैं, यहां पर भक्तों का ताता लगा हुआ है। भक्ति तो श्रद्धा और आस्था से जुड़ी है, इसलिए जिसकी जिसमें आस्था होती है वो उसे ही भगवान मान लेते हैं। हे कल्याणकारी महादेव, अपनी करुणा सदा ही हम पर बनाए रखना। बाबा, आज आपकी शिवरात्रि पर मैं सबको खूब प्रसाद बांटूंगा और सबकी दुआएं लूंगा। अपना आशीर्वाद सदा ही हम पर बनाए रखना बाबा। तथास्तु। सबसे बड़ा तेरा नाम, शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे। हे माँ, अपने भोले भक्त के ऊपर सदा अपना हाथ बनाए रखना और मेरे घर परिवार में सदा ही सुख शांति बनाए रखना। माँ, मैं आपका भोला भक्त हूँ, भोला बच्चा हूँ, सदा अपना हाथ मेरे सर पर बनाए रखना। भूल चूक भी माफ करना माँ, माफ करना। बोल दयानंद स्वामी की जय। श्री सिद्धि विनायक और अष्ट विनायक की जय हो। हे बप्पा, आप ही तो विघ्न विनाशक हो। हे बप्पा, आप ही तो मेरे विघ्नों को हर सकते हो। आप अपनी कृपा दृष्टि, अपनी छत्र छाया मुझ पर बनाए रखना। अरे दुलारे, आज तो शिवरात्रि है और तुम आज भी माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हो। दिन बदलने से नियम थोड़े ही बदलता है, वो कल भी मेरी माँ थी, आज भी माँ है। और प्यारे तुम भी। अरे आज तो गणपति के पिताजी का दिन है, आज तो तुम्हें शिव की पूजा करनी चाहिए। जरूर करनी चाहिए, लेकिन पहले अपनी बप्पा की तो कर लूं। गणपति किस बात में कम है? गणेश जी के तो 8 अवतार हैं, जैसे वक्रतुंड, एकदंत, गजानंद, विघ्नहर्ता, जिन्होंने मत्सरासुर, मदासुर आदि आदि का वध किया है, इसीलिए
सभी देवताओं से पहले गणेश की पूजा होती है। अरे भाई, आखिर गणेश जी को जन्म किसने दिया? अरे माँ के बिना बेटा कहाँ से आया? ये तो माँ के आशीर्वाद से ही गणपति जी इतने बड़े बड़े कार्य करते हैं। मेरी माँ तो सबसे महान है, जिसने 9 अवतार लेकर महिषासुर, चंडमुंड, रक्तबीज जैसे राक्षसों को मुंह की खिलाई। अरे दुलारे, पार्वती माँ ने ही शिवजी को पाने के लिए वर्षों घोर तपस्या की और अनेक जन्म लिए, तब जाकर उनकी कृपा और शक्ति से उन्हें शिवजी प्राप्त हुए। भगवान शिव ने जलंधर, शंखचूर, अंधकासुर, गजासुर जैसे राक्षसों को मार दिलाकर जग की रक्षा की है। और शंकर जी की तीसरी आंख खुलते ही सब कुछ नष्ट हो जाता है। इतने महाबली हैं महादेव। गजानंद भोलेनाथ महादेव, शिव शंकर कैलाश पति, गजानंद महादेव, विघ्न विनाशक, सिद्धि विनाशक, नारायण नारायण। आप सबकी आवाज देवलोक में सुनकर मुझे नीचे आना पड़ा। आज तो बहुत ही महान दिन है और प्यारे दुलारे और न्यारे जैसे महान भक्तों में क्या चर्चा चल रही है? नारद जी, आप ही बताइए, गणपति की पूजा सबसे पहले होती है तो वही सबसे बड़े हुए ना? नारद जी, सती के लिए शिव जी ने अपनी तपस्या भी छोड़कर दक्ष प्रजापति को दंडित किया तो सती माँ पार्वती बड़ी हुई ना? नारद जी, आप ही बताइए कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी में बड़ा कौन? जब भी कोई समस्या आती है तो वे सब शिव जी के पास ही तो जाते हैं, तो बड़ा कौन हुआ? नारायण नारायण, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे प्रभु, ये मुझे किस धर्म संकट में डाल दिया? अगर शिव जी का नाम लूं तो पार्वती माँ की सुननी पड़ेगी, अगर मां पार्वती का नाम लूं तो शिवजी नाराज हो जाएंगे। नारायण नारायण। हे प्रभु, अब तो आप ही इसका समाधान कर सकते हैं। हे प्रलयंकर, महादेव, शंकर, अब तो सबकी तीसरी आंख खोल दो और इस रहस्य को सामने लाओ। प्रभु सामने लाओ। नारायण 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 नारायण। हे नारद और आप सभी भक्तगण को सर्वप्रथम महाशिवरात्रि की बधाइयां। शक्ति एक है और हम सब परम शक्ति की रचना है। परमात्मा एक है और वो सभी आत्माओं का पिता है। मेरा तो परिवार है, पार्वती और बच्चे, गणेश, कार्तिक, और मैं तो स्वयं साधना करता हूँ सिद्धि स्वरूप के लिए। परमात्मा स्वयं, ब्रह्मा, विष्णु और मुझसे तीन कर्तव्य कराते हैं। मैं स्वयंभू नहीं हूँ, स्वयंभू तो स्वयं निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा शिव है। प्रभु, किंतु मनुष्य लोक में तो आपको ही शिव शंकर के रूप में याद किया जाता है। नारद, मैं स्वयं ज्योतिर्लिंग के ध्यान में रहता हूं, भला मैं कैसे निराकार हूं? मेरा तो शरीर धारण किया हुआ है। शिव और शंकर ये दो अलग नाम है। शिव अर्थात शव से परे
जिसे अपना शरीर नहीं है और वो सदा ही मुक्त है। ज्योतिर्लिंग उसका ही यादगार है। मैं विनाशकारी हूं, परंतु शिव तो कल्याणकारी है। हाँ मुनिवर, और मेरे प्यारे भक्तों, मैंने भी स्वयं परमात्मा शिव अर्थात ज्योतिर्लिंग की तपस्या की है शंकर जी को पाने के लिए। शिव तो निराकार है और सर्वोच्च शक्ति है, हम सभी तो उसकी रचना है। नारायण नारायण। मुनिवर, मैं भी तो शिव जी का ही ध्यान लगाता हूँ, हम सभी देवताओं का भी वो रचयिता है। नारायण नारायण। तो सुना न्यारे प्यारे और दुलारे सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम परमात्मा निराकार शिव है, और जिनकी आज शिवरात्रि अर्थात जन्मदिन है, जयंती है। नारद, परमात्मा शिव कलयुग रूपी अंधियारी रात में आकर हम सभी को सत्य ज्ञान देकर मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। वे कल्प में एक बार इस धरा पर आते हैं। ज्ञान स्वरूपं शिवोऽहम् शिवोऽहम्। प्रकाश स्वरूपं शिवोऽहम् शिवोऽहम्। मैं इस सृष्टि का सृजनहार, आप सभी आत्माओं का पारलौकिक पिता, ज्योति स्वरूप निराकार शिव हूं। मैं इस साकार सृष्टि सूर्य चंद्र और तारागणों से भी दूर परम धाम का निवासी हूं, इसलिए मुझे परमात्मा कहा जाता है। मैं आप बच्चों के समान शरीर धारण नहीं करता, इसलिए जन्म मरण पाप पुण्य एवं कर्म विकर्म से न्यारा हूं। अब इस सृष्टि पर जब धर्म की ग्लानी हो रही है, चारों तरफ अधर्म भ्रष्टाचार पापाचार तमोप्रधानता एवं विकारों की कालिमा छा गई है, आत्माएं अत्यंत व्याकुल अशांत हो त्राही त्राही करने लगी है। प्यारे बच्चों, ऐसे समय पर अपने गीता में दिए वचन को पूरा करने के लिए इस अनेक धर्मयुक्त तमोप्रधान सृष्टि को समाप्त कर एक धर्म एवं सत्ययुगी सृष्टि की स्थापना हेतु मैं इस धरा पर
आ चुका हूं। मैं जो हूं जैसा हूं इस रूप में मुझे जानने वाले और निरंतर अपना बुद्धि योग मुझसे लगाने वाले ही पद्मा पद्म भाग्यशाली बनते हैं। इसलिए हे प्रिय बच्चों, अपने को आत्मा समझ मुझ पिता परमात्मा को याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विकर्म एवं पाप समाप्त हो जाएंगे और तुम आने वाली पावन सतयुगी सृष्टि के अधिकारी बन जाओगे। अच्छा, ओम शांति। हम शिव के शिव हमारे स्वामी सेवक का नाता है ये। हम खिलौनों की क्या हस्ती सब करता कराता है ये। उसके पृथ्वी आकाश उसका सूरज में प्रकाश उसका आसन है कैलाश भक्तों। No problem.